फ्राइडे के सत्र में भी हमने देखा 3-4% के दमदार गेंद इस टायर काउंटर पर आते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए जिस तरह के ओवरऑल एनवायरनमेंट बन रहे हैं, कच्चे तेल में गिरावट हो रही है, साथ ही रबर की कीमतों में पर भी आपको दबाव देखने को मिल रहा है, तो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो होता हुआ दिखा था वो कूल ऑफ हो रहा है, तो इनके मार्जिन्स के लिए आगे चलकर आपको तमाम टायर कंपनियों में अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। वैसे भी हम लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरह से इनके Q4 नतीजे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को छोड़ आप देखिए, तमाम जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने अच्छा ही प्रदर्शन किया है मार्जिन्स के लिहाज से भी, और Q1 भी एक्सपेक्टेशंस यही है। जिस तरह से अभी आपको ब्रेंट क्रूड दिख रहा है और साथ ही रबड़ की कीमतों में गिरावट है, वो काफ़ी फायदा पहुंचा सकती है इनके Q1 मार्जिन्स में भी। तो इसीलिए अपोलो टायर्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। टेक्नो फंडा पे के हिसाब से बन चुकी है ये, 405 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है, 415 रुपये अगला टारगेट बनेगा। मोमेंटम में है स्टॉक काफ़ी, और यहाँ पर 397 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए